हेलो फ्रेंड्स, आपका जीडी एजुकेशन में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे संतुलित और असंतुलित भोजन। तो सर्वप्रथम हमें पता चलना चाहिए संतुलित भोजन होता क्या है। संतुलित भोजन होता क्या है? तो संतुलित भोजन उसे कहते हैं वह भोजन जिसमें संजीव के लिए या हमारे लिए ऐसी तलिख सकते हो जिसमें आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हो। तो संतुलित भोजन हम पढ़ रहे हैं, संतुलित और असंतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन किसे कहते हैं? वह भोजन जिसमें आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हो, या इसमें लिख सकते हो हमारे लिए या संजीव के लिए आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हो, क्या होता है? संतुलित भोजन होता है। तो बात आती है पोषक तत्व क्या है भोजन में। पता है भोजन क्या होता है, क्यों करना जरूरी होता है, या भोजन के बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए या कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। भोजन क्यों करते हैं, किस लिए जरूरी है, या अदर एक्सेट्रा कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कोई चाहिए नहीं। तो उसके अलावा एक दूसरा बढ़िया है पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं? तो देखो, पोषक तत्व तत्व क्या होता है, पता ही है, कोई भी कंपाउंड क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में आगे और लेसन आएंगे, उनके बाद उनमें हम पूरी जानकारी लेंगे तत्व कहते हैं किसे। तो एक बार सीधा देखते हैं, पोषक तत्व वह खाद्य पदार्थ या वह खाद्य पदार्थ या उसमें उपस्थित तत्व या उसमें उपस्थित तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो, वह क्या होता है? पोषक तत्व होता है। पोषक तत्व होता है। ठीक है, हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए भी लिख सकते हो, सीधा लिख सकते हो हमारे शरीर के लिए भी, जैसा आप की मर्जी हो, जैसा आपको याद रहे, दोनों ही सही होंगे। ठीक है, तो पोषक तत्व लगभग पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। संतुलित भोजन क्या होता है वो बता दिया, पोषक तत्व क्या होता है वो बता दिया। ठीक है, तो पोषक तत्व कितने टाइप के होते हैं वो और बता देता हूँ मैं आपको। पोषक तत्व देखो, इसमें पहले बहुत नाम आता है जल, जो हमारे बहुत ही जी याद रहता है। उसके बाद में खनिज लवण, उसके बाद में वसा। ठीक है, वसा के बाद में विटामिन के बाद में प्रोटीन, और लास्ट में क्या रहेगा हमारा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारे 6 पोषक तत्व कौन कौन से? जल, खनिज लवण, वसा, विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये हमारे 6 पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जरूरी है, वो भी क्या एक निश्चित मात्रा में। बस हमें एक ये बात जरूर याद रखनी पड़ेगी, निश्चित मात्रा। अगर इनकी कमी होती है तो भी हमें नुकसान है, और अगर इसकी अधिकता होती है या ज़्यादा ले लेते हैं तो भी हमें क्या है? नुकसान है। तो हमें कोई भी चीज़ है शरीर के लिए हर एक चीज़ निश्चित मात्रा में ही चाहिए, तो उसी तरह पोषक तत्व तो भी हमें निश्चित मात्रा में चाहिए। कमी होगी तो भी हमें नुकसान होगी, बीमारियां होगी, अधिक लेंगे तो भी हमें बीमारियां होंगी। तो संतुलित भोजन समझ गए, हमारे शरीर के लिए निश्चित मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व तो भी क्या होता है? संतुलित भोजन होता है। तो बात आ गई संतुलित भोजन की, हम बात करी क्यों रहे, संतुलित भोजन हमारे लिए जरूरी क्यों है। देखो, इसके निम्न रीजन है। पहला रीजन, संतुलित भोजन हमारे शरीर की
वृद्धि और विकास के लिए अति आवश्यक है। तो संतुलित भोजन का पहला रीजन क्या है, संतुलित भोजन हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए अति आवश्यक है। अगर हम संतुलित भोजन नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी और हमारा पूर्ण विकास नहीं होगा। संतुलित भोजन से हमारा मानसिक वे शारीरिक संतुलित भोजन से हमारा मानसिक वे शारीरिक स्वास्थ्य सही रहता है या ठीक रहता है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं सही रहता है। देखो शारीरिक तो यानी कि बाहर से हमारा जो शरीर दिख रहा है उसमें कोई भी हेल्थली है, कोई भी दिक्कत है, जो हमारी बॉडी बनावट है उसमें कोई भी दिक्कत बीमारी हो तो उसका उससे उसका इफेक्ट संतुलित भोजन से पड़ता है। संतुलित भोजन सही है तो हमारा बाहर का स्वास्थ्य भी सही रहेगा। और मानसिक यानी कि मेंटली तौर पर दिमाग के तौर पर हमसे ये यानी है कितना टेंशन वगैरह अदर जो भी थिंक है हमारी माइंड जैसा भी सेट होता है हमारा वो हमारे भोजन के कारण ही होता है। ठीक है, तो हमारा जो भोजन है वो हमारे मेंटली हमारे दिमाग पे और हमारे शरीर दोनों पे इफेक्ट करता है। तो हमारा भोजन अगर संतुलित है सही है तो हमारा दिमाग भी सही रहेगा और हमारा स्वास्थ्य भी या शरीर भी सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तीसरा है ये क्या करता है, तीसरा काम इसका प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। ठीक है, ये मुख्यतः तीन चार ही कारण है जो हमारे लिए संतुलित भोजन को आवश्यक बनाता है या हमारे लिए बहुत ज्यादा संतुलित भोजन को आवश्यक बनाता है। तो बात आती है प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है और किस लिए आवश्यक है। तो बात करते हैं प्रतिरोधक क्षमता की। ठीक है, ये हमारे साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी क्षेत्र में जाए तो। प्रति प्लस रोधक प्लस क्षमता, ये तीन ही नाम आए हमारे। प्रति होता है विपरीत, रोधक होता है रोकना, क्षमता का आपको पता ही है क्या होती है, ताकत या पावर। ठीक है, तो इसको प्रतिरोधक क्षमता भी बोलते हैं और इसको आगे कई बार ये लिख देते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो आगे रोग लगा दें, देख लो क्या बनता है, ये रोगों के विपरीत या रोगों के विपरीत उसको रोकने की क्षमता। तो क्या होता है, रोगों के विपरीत उसे रोकने की क्षमता, ये क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं, सीधी प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं, एक ही बात है। तो इसको आप रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर सीधी प्रतिरोधक क्षमता कुछ भी कह लो एक ही बात है। रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरोधक क्षमता का मतलब क्या है, रोग प्लस प्रति प्लस रोधक प्लस क्षमता। रोग का रोग लिख दिया, प्रति का मतलब होता है विपरीत, रोधक का मतलब रोकना, क्षमता का ताकत। तो रोगों के विपरीत उसे रोकने की क्षमता क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। सीधे शब्दों में बात करें तो क्या होगी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की ताकत क्या आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो सीधी बात करें, प्रतिरोधक क्षमता या रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो सीधी बात करें तो क्या होगा, रोगों से लड़ने की ताकत ही
रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। इस तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमने पढ़ ली है, इसकी अधिक जानकारी आगे हमारे और टॉपिक आएंगे जिसके अंदर हमारा बहुत ज़्यादा यूज होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता का, उसमें समझने की ज़्यादा जरूरत होगी। तो वह उसके टाइम आपको एकदम डीपली बताया जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है और किस तरह ये सिस्टम चलता है, ठीक है। अलग अलग मैटर, अलग अलग थ्योरी, अलग अलग कहानियों के जरिए आपको बताया जाएगा जिसके आपके एकदम इजी याद भी रहेगा ये रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है। तो इसी के साथ हमारा संतुलित भोजन तो टॉपिक कंप्लीट हो गया। संतुलित भोजन होता क्या है वो बता दिया, उसके यूज बता दिए, ठीक है। जो यूज है वो इसके उपयोग है, और अगर अंतर पूछे तो वही इसके अंतर है। अंतर पूछे तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है संतुलित भोजन की। अगर मैं पूछ ले संतुलित रहे संतुलित भोजन में अंतर, तो संतुलित भोजन की डेफिनेशन लिखनी है, जिसके दो तीन यूज बताएं वो लिख देंगे संतुलित भोजन की साइड। असंतुलित भोजन की साइड क्या लिखेंगे वो अभी हम करेंगे। तो मैं आपको अभी बताता हूं असंतुलित भोजन। तो असंतुलित भोजन एकदम इजी है, वह भोजन जिसमें जिसमें आवश्यक पोषक तत्व मौजूद नहीं हो। तो असंतुलित भोजन क्या होता है, वह भोजन जिसमें आवश्यक पोषक तत्व मौजूद ना हो वह क्या हो जाएगा, असंतुलित भोजन में हो असंतुलित भोजन कहलाता है। तो संतुलित भोजन तो क्या था, वह भोजन जिसमें आवश्यक सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हो। अगर इस न को हटा दे तो संतुलित भोजन की डेफिनेशन बन जाएगी, न को लगा दे तो असंतुलित भोजन की डेफिनेशन बन जाएगी, एकदम इजी है। अरे असंतुलित भोजन के कारण क्या इफेक्ट पड़ता है, जो संतुलित भोजन करता है इसका एकदम ठीक उल्टा कर देते हैं। ये तो हमारा असंतुलित भोजन आ गया है, अब असंतुलित भोजन के इफेक्ट क्या है, असंतुलित भोजन से क्या होता है। हमारा शरीर मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। इसके अलावा हमारे शरीर में अनेक नए प्रकार अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न यानी कि बीमार होने लगते हैं, बीमारियां आने लगती है। और तीसरा हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ये तीन ही कारण है असंतुलित भोजन में, हमारा मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, यानी कि ना तो हमारा शरीर ढंग से काम कर पाता है, बार बार थकान वगैरह महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, और दिमाग भी हमारा काम नहीं करता, क्या करना है क्या नहीं करना समझ में नहीं आता, ज़्यादा वो चिड़चिड़ापन आ जाता है या ज़्यादा गुस्सा आने लगता है हमें। हमारा भोजन अगर सही ना हो तो हमारे शरीर में बहुत से पोषक तत्वों की कमी होगी, जिससे हमारा ना तो दिमाग से ही काम करेगा ना शरीर से ही काम करेगा, और जिससे हमारे शरीर में आलस आएगा, कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, कोई भी कुछ बोलेगा तो बार बार गुस्सा आएगा, दिमाग सही से काम नहीं करेगा, हर एक बार आप गलत फैसला लोगे।
दूसरा है कि हमारे शरीर में अगर शरीर कमजोर हो गया तो आपको बताइए कमजोर चीज पे दूसरे लोग आक्रमण करते ही हैं, तो हमारा शरीर कमजोर होगा तो अलग अलग सूक्ष्म जीव परजीवी जीवाणु विषाणु जो भी है ईटीसी हम पे हमला करेंगे और हमें बीमार कर देंगे, यानी कि हमें अलग अलग तरह अलग अलग बीमारियाँ होने लगेगी। उसके अलावा हमारे शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता है, रोगों से लड़ने की ताकत है जो हमें अपने आप रिपेयर करती है वो भी कम हो जाएगी और हमारे शरीर को पता ही नहीं चलेगा कब क्या रिपेयर करना है क्या नहीं करना। जो हमारे शरीर का रिपेयरिंग सिस्टम है ठीक करने की ताकत है वो ढंग से काम नहीं कर पाएगी और हम बीमार हो जाएंगे और हो सकता है बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़े या मृत्यु तक हो जाए। इसी के साथ हमारे ये टॉपिक आज कंप्लीट होते हैं संतुलित और असंतुलित भोजन। इसके बारे में अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ भाई अगर आपको बता दूं ये संतुलित और असंतुलित भोजन 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का पहला दूसरा ही टॉपिक है, तो आप उसमें भी देख सकते हो, उसमें भी देख के पढ़ सकते हो और कोई कमी रह गई हो तो बता सकते हो। बाकी जो मेन मेन बातें थी, आप चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी करो, चाहे किसी क्लास 10th की तैयारी करो या ETC अदर किसी चीज़ की तैयारी करो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है हमें हमारे शरीर में भोजन की आवश्यकता बताने के लिए बहुत अच्छा ही टॉपिक है।